हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का वाईफाई अगर कनेक्टेड रहता है, वाईफाई कनेक्ट होने पर भी वाईफाई का इंटरनेट नहीं चलता है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, तो चलिए यहां पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन का वाईफाई कनेक्टेड होता है लेकिन वाईफाई का इंटरनेट काम नहीं करता, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है, फोन को रीस्टार्ट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज हो जाएगा इस तरीके का, इस पेज में आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है। हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम जस्ट सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों, आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन की ना नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है ना, कभी कभार ठीक से काम नहीं करती है, जिसके कारण हमारे वाईफाई का इंटरनेट नहीं चलता है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज आपको जो है ना, नीचे की साइड ये सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पे टैप करना है। तो ये जो तीन सेटिंग आप देख रहे हैं ना, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग के साथ रीसेट हो जाती है। आपको इसे नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग का ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में दोबारा से नीचे की साइड इसे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। नीचे आपको यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा थोड़ी देर में, ये देखिए नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आपको ना मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है, जिससे आपके वाईफाई के इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, यहां पर आपको अगला प्रोसेस करना यह है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन के ना एपीएन सेटिंग को आपको रीसेट करना है, ठीक है। मोबाइल फोन की एपीएन सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ये ऊपर की साइड सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है अपना सिम सेलेक्ट करने का, ठीक है। अपनी सिम सेलेक्ट करने, जिस कंपनी की सिम है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा सबसे नीचे, ये एक्सेस पॉइंट नेम का, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको एपीएन का पेज मिलेगा, सबसे ऊपर आपको ये थ्री डॉट पे टैप करना है। एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें आपको रीसेट टू डिफॉल्ट पे टैप करना है। नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखिए रीसेट डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग। इस तरीके से आपको अपने मोबाइल फोन की एपीएन सेटिंग को रीसेट कर देना है, जिससे आपके वाईफाई के इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, अगला प्रोसेस आपको ये करना है कि आपको जो है अपने मोबाइल फोन का ना एक बार सॉफ्टवेयर चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, तो इस कारण हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू कर लेना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको जो है ना ये ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है, तो आपको इसे कंटिन्यू कर देना है। तो आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके वाईफाई के इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है ना। रीसेट लिखेंगे तो आपको नीचे की साइड ये रीसेट ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको इस सेटिंग पेज में लेकर आएगा, इस रीसेट पे टैप करना है। अगले पेज में आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके वाईफाई के इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने, इससे आपके वाईफाई के इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपने जिस कंपनी का आपने वाईफाई कनेक्शन ले रखा है, उस कंपनी के कस्टमर केयर पर आपको कॉन्टेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये लास्ट ऑप्शन बचता है, नहीं तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।